गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि कॉलिंग एरियस पे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाते हैं। देखते हैं, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एस्टिमेटेड इश्यूज 60,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन रुपीज 4, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 4, ऑन फाइनल कॉल द बैलेंस ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर पास इन से 1090। ओके, अब क्वेश्चन हम देखते क्या है कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है। 60,000 शेयर्स, एक शेयर की प्राइस कितने की है? रुपीज 10 ईच का है, जिसमें एप्लीकेशन कितने का है? रुपीज 4, अलॉटमेंट रुपीज 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितने का है? बैलेंस कितने का आएगा? 10 का है, तो 4 4 8 माइनस किया तो ये कितने का बैलेंस आ गया? 2 रुपीज का। ओके, अब कंपनी कह रही है कि कंपनी को जो पैसा रिसीव हुआ था सबका तो रिसीव हुआ, लेकिन फाइनल कॉल में कितने शेयर का पैसा रिसीव नहीं हुआ? 1000 शेयर का। तो नॉर्मल जैसे इसकी एंट्री हम लोग करते हैं, इसकी जो एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से? 60,000 इंटू 4, 2,40,000 बीइंग द एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो आप कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल पे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सी अमाउंट? जितने से उन्होंने रिसीव किया था उसने कोई ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, 2,40,000। ओके, तो क्या जनरेशन क्या हो गया? बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द एप्लीकेशन मनी मनी ट्रांसफर 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 कहां कर रहे हैं? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये तो कंपनी का एप्लीकेशन का हो गया। अब कंपनी अलॉटमेंट में क्या एंट्री करेगी? तो अब अलॉटमेंट ड्यू करती है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा यहां पे? नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 60,000 टू 4, 2,40,000 बीइंग द अलॉटमेंट ड्यू। अब जब ड्यू की है तो रिसीव भी करेगी, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, सेम अमाउंट 2,40,000, जब अलॉटमेंट ड्यू के रिसीव किया तो 2,40,000। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या होगा? बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव
being the allotment money, received. अब देखो, अब allotment में तो receive हो गई, अब next entry क्या होगी? Company first and final call की due करेगी, तो next entry क्या हो जाएगा? Next entry, equity share, first and final call account debit to equity share capital, कितने से 60,000 into 2 1,20,000 being the first and final call due. अब तो due तो कर ली, अब कंपनी जब रिसीव करे तो कंपनी बता रही कि इसने 1,000 का छोड़कर सबने पैसा पेमेंट किया. तो अब इसने उन्होंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल इन एरियस भी यूज कर सकते विदाउट कॉल इन एरियस भी. तो हम इसको पहले कॉल इन एरियस भी शो कर सकते हैं इस एंट्री को, और विदाउट कॉल इन एरियस में क्या एंट्री होगी उसके हिसाब से. अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब देखिए फाइनल कॉल में तो आना चाहिए था 1,20,000, ओके. लेकिन यहां पे 1,000 से पैसा पेमेंट नहीं किया, कितने रुपए से नहीं पेमेंट किया, 2 रुपीज से. तो 1,000 इंटू 2 किया तो कितना आ गया यहां पे 2,000. तो रिमेनिंग कितना कंपनी को मिली 1,18,000 being the first and final call money received, ओके. अब इसको दूसरी तरह से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं और करके कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से, नॉर्मली 1,18,000. ओके. अब यहां पे हम लोग कॉल इन एरियस का भी यूज कर सकते हैं और विदाउट कॉल इन एरियस भी हो सकता है, ओके. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉल इन एरियस पे, एक और क्वेश्चन की बात लेके करेंगे, एग्जांपल लेके बात करेंगे. अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप उसको सेंड कर सकते हैं, ओके. थैंक यू, बाय.